हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सिंह, आप देख रहे हैं कालावर गौतम। आज आपको दिखाने वाले हैं स्विफ्ट जो कि 2020 मॉडल है और ये मॉडिफाई हुई है एलेक्सेल से ट्रेडक से। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। भाई इसमें 2 लाख रुपये का काम हुआ पड़ा है, उसमें बताएंगे क्या क्या मॉडिफाई हुआ पड़ा है। इसमें अलॉय व्हील भी काफ़ी अच्छे यूज की गई है उसमें, और काफ़ी 17 इंच के अलॉय व्हील उसमें है, दिखाएंगे आपको। 17 इंच के अलॉय व्हील जो कि सिल्वर एलुमिनियम में काफ़ी अच्छे लगते हैं, गाड़ी की लुक को एनहांस करते हैं। इसकी फ्रंट के लुक काफी अच्छे लगते हैं देखने में। 2020 फेसलिफ्ट मॉडल है वाला, और यहाँ पे आपको मिलते हैं सुजुकी का लोगो, यहाँ पे आपको मिलते हैं सिल्वर क्रोम फिनिश, और इस साइड आपको ग्रिल मिलती है जो कि मैट में है, जो काफी अच्छी लगती है, काफी बड़ी सी है ग्रिल। इसमें पीछे आपको दे रखा है एयर कटर दे रखा है, और उसमें गाउन क्लियरेंस काफी अच्छा दे रखा है इसके अंदर आपको। इसमें आपको फोग लैंप देखने को नहीं मिलते, आप मार के लगवा सकते हैं इसको। भैया ने लगवाई नहीं है क्योंकि भैया के रिकमेंड का है नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसके हेडलैम्प, और भाई ने मॉडिफाई कर रखी है, तो उसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, तो भाई ने LED लगा रखी है उषा राम की। आप बाहर आफ्टर मार्केट से 3-4 हज़ार रुपये के लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको हैलोजन बल्ब, और यहाँ पे आपको टोई नूट मिलता है, और काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी के लुक, जो कि ब्राइट मतलब इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी देते हैं, काफ़ी बढ़िया है देखने में भी। तो देखते हैं इसकी फ्रंट की लुक, चलते साइड प्रोफाइल की तरफ। तो वैसे देखते हैं इसके टायर, टायर साइज आपको 17 इंच के दे रखे हैं, रोई व्हील काफ़ी अच्छा लगता है देखने में इसके। आप आपको डिस्प्ले मिलता है आगे, पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक, और ये पेस मॉडल है जैसे कि। तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है फेंडर पे, तो भाई ने मॉडिफाई करवा रखे, तो भाई ने ऑटो फील्ड मिरर भी लगा रखे हैं, को मैचिंग में दे रखा है जो कि वो ब्लू एंड वाइट में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, वो ऐसा दिखता है उसका डोर। और आपको बेस मॉडल में ही आपको 2 पावर विंडो मिलती है, भाई ने मॉडिफाई करवा रखे गाड़ी को, तो उसमें 4 पावर विंडो और ऑटो फोल्ड का भी आपको स्विच मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको, को ऑटो डाउन मिलती है, ऑटो अपनी मिलती, और यहाँ पे भाई ने आफ्टर मार्केट ट्विटर लगवा रखे, जैसे कि बेस मॉडल है उसमें आपको कोई स्पीकर देखने को नहीं मिलते, उसमें आपको स्पीकर मिलते जो कि आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है आपको, बेस मॉडल में कुछ भी नहीं देते। फैब्रिक में मिलती है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। यहाँ पर आपको मिलता है बोटर होल्डर, और अब बात करते हैं सीट की, तो उसमें आपको फैब्रिक सीट दी हुई है, और ये आपको हाइट एडजस्ट दे रखे हैं रिक्लाइन वगैरह के लिए। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ, तो ऐसे दिखता है इसका का स्टेयरिंग, और यहाँ पर आपको लेदर फिनिश नहीं मिलती, इस बिन लेदर फिनिश के में भी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी ग्रिप बनी हुई है इसमें, और ये आपको आपको मैट ब्लैक में मिलता है यहाँ पे साइड, और ये आपको यहाँ पे कुछ भी कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, ये आफ्टर मार्केट का पार्ट है, ये आप माउंटेन कंट्रोल आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, लेकिन भाई ने लगवा रखी है। और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पे मीटर भी बेस मॉडल वाला आता है, भाई ने कन्वर्ट कर रखा है। मीटर भी आपको ट्रेडक से वाला मिलता है, जैसे कि बेस पेरेंट है तो भाई ने कन्वर्ट कर रखी है, तो आप इसमें आपको टॉप मॉडल वाला सब कुछ मिलेगा, जहाँ तक भैया ने टॉप मॉडल बना रखी है, तो उसमें आपको ये स्पीडोमीटर मिलता है, ये आफ्टर मार्केट ही है, और यह सारे फंक्शन मिलता है आपको, लेफ्ट मिलता है RPM, राइट में मिलता है आपको ये स्पीडोमीटर, बीच में मिलता है आपको ये डिजिटल, सारी आपको एवरेज वगैरह बताती है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर बटन दे रखा है, ये बताएगा आपको ये सारे एवरेज कितनी देती है, रेंज वगैरह, ई ट्रिप वगैरह दिखाता है आपको कितने किलोमीटर चली हुई है। और तो भाई के पास ये गाड़ी चली है 1524 के आसपास चली हुई है गाड़ी है, और बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल मस्त है चलाने में, मैंने चलाई हुई है, आपको वीडियो दिखाऊंगा चलाते हुए की। और मतलब अगर भाई से लेनी हो ना, तो भाई यहाँ पे आइए आप व्हीलर डीलर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल देंगे भाई का, और बाकी के भाई के एड्रेस वगैरह लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ये आफ्टर मार्केट लगा रखा है, जैसे कि बेस मॉडल इसमें कुछ भी नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है इसमें, ये सारे फीचर्स वगैरह दे रखे हैं आपको, काफ़ी अच्छी है, स्मूथ वगैरह। इसमें आपको बैक रिवर्स कैमरा भी मिलता है, मैं सेकंड दिखाता हूँ आपको डाल के, तो ये ऐसा दिखता है रिवर्स कैमरा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, कर्ल लेंस के आपको नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको AC वेंट मिलते हैं, आउट साइड आपको मिलते हैं 1000 लाइट, और यहाँ पे आपको मिलता है बेस वेरिएंट है, तो उसमें आपको कोई ऑटोमेटिक ऐसे देखने को नहीं मिलता। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ये आपको ऐसी स्पेस दे रखा है, नीचे आपको मोबाइल वगैरह रखने का कप होल्डर, और आपको गियर नॉब मिलता सिंपली, और यहाँ पे हम देखने को नहीं मिलता, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, और इस साइड आपको मिलता है IRVM, ये आपको डे नाइट नहीं मिलता, और ये वैनिटी मिरर मिलता है आपको, यहाँ पे टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता, और इस साइड आपको कुछ नहीं मिलता दोनों तरफ। ऊपर आपको दे रखा है कैबिन लाइट, फिर आपको माइक की प्लेसमेंट मिलती है यहाँ पे, और ऐसे दिखती है इसकी सीट, और आपको ये हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलता है, फिक्स मिलता है आपको पूरा कम्फर्टेड,
और ये फैब्रिक का आपको सीट दे रखी है इसके अंदर, उसमें आपको मैट भी देखने को मिलता है, भाई ने एफ्टर मार्केट लगवा रखा है, मॉडिफाई का ही पार्ट है पूरा ये। जैसे कि भाई ये एलएक्सआई है तो उसमें आपको पावर विंडो देखने को नहीं मिलती, भाई ने मॉडिफाई कर रखी है कार, तो उसमें आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिलते हैं, कंपनी फिटेड मिलते हैं आपको ये, और पीछे आपको घुमाने वाला मिलता था जो आता है ना घुमाने वाला, तो वो मिलता था। तो भाई ने कन्वर्ट कर रखा है पूरा, डोर को चेंज पैनल कर चेंज कर रखा है, तो ये आपको ये मिलता है ये बटन। अभी हम पीछे जाके दिखाते हैं आपको, चलते हैं पीछे की तरफ। पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये आपको स्टेरिंग एडजस्ट मिलता है, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोप देखने को नहीं मिलता, और इस साइड आपको कंट्रोल दे रखे है, ड्राइव सस्पेंशन कंट्रोल, ये आपका हेडलैम्प कंट्रोल दे रखे है, नीचे आपको बोनट ओपनर मिलता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, अब पीछे जाना हो तो आपको ये तो खोल के आराम से पीछे जा सकते हैं। ये आपको मिलता है पावर विंडो का स्विच, ये आपको घुमाने वाला मिलता था, भैया ने पूरा पैनल ही चेंज कर रखा है, इससे काफ़ी गाड़ी के लुक को इन्हेंस करते हैं, जैसे कि जो घुमाने वाला होता है पुरानी गाड़ी में बेकार से लगता है वो, तो भाई ने ये पूरी टॉप कर रखी है, तो भाई ने पूरा पैनल भी चेंज कर रखा है इसलिए। तो यहाँ पे आपको वही प्लास्टिक मिलती है, नीचे आपको स्पीकर मिलते हैं, चारों डोर आपको आपका मार्केट लगवाते हैं। और आप चलते हैं इसके अंदर की तरफ, तो भाई आपको सीट काफ़ी कम्फर्टेबल मिलती है, गाड़ी भाई कम्फर्टेबल भी है गाड़ी, आपको चला के भी दिखाएंगे आपको अभी, उसमें आपको आमने देखने को नहीं मिलता। ये आपका हेड एडजस्ट आपको वही मिलता है फिक्स, ये फोल्ड ग्रिप मिलती है आपको, भाई ने यहाँ पे भी लगा रखे ये ट्विटर सेकंड, इससे गाड़ी के लिए भाई को शौक है गाड़ी का, तो काफ़ी अच्छे भाई ने मुझे सेटअप लगा रखा है इसके अंदर। और ये यहाँ पे आपको ये 11D पूरा मिलता है, सीट कवर आपको वही फिक्स है, ये कंपनी वाली फैब्रिक वाले, तो ऐसे दिखती है इसके लोग, आगे से ऐसे दिखता है इसका डैशबोर्ड। चलते हैं पीछे की तरफ, हाँ तो भाई गाड़ी में एक चीज़ और बढ़िया लगती है मुझे, तो भाई ने ये लगवा रखे है, इसे बोलते हैं ये एयर पास होने के लिए, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो गाड़ी के लुक को काफ़ी इनहेंस करता है, देखो मतलब अलग लगती है गाड़ी भाई, मॉडिफाई है तो अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। तो पीछे की तरफ तो भाई गाड़ी के लुक कैसे दिखती है, तो यहाँ पर आपको मिलता है ये आपका मार्केट का पार्ट है, जो कि गाड़ी की जाता है फिफ्थ वाले भाई लगवाते लगवाते हैं, क्योंकि अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। इससे इसमें आपको इंडिकेटर के साथ में मिलता है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ भाई, इंडिकेटर चलिए ऊपर ऐसा नीचे कर दे इंडिकेटर, हाँ तो भाई इंडिकेटर के साथ में भी चलती है ये मैट लाइट, क्योंकि गाड़ी के लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं LED लाइट, यहाँ पर आपको 4 पंक्शन मिलते हैं, एक साइड इस साइड, एक साइड मिलता है, एक इस साइड मिलता है आपको, इसमें आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है, मैं दिखाता हूँ आपको, कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये भी आप टर्मा के लगवा सकते हैं, ये आप यहाँ से खुलती नहीं है, यहाँ पे आपको ऊपर जैसा बटन देखने को नहीं मिलता, इसे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता आपको, जैसे कि बेस वेरिएंट है तो कुछ भी नहीं मिलता आपको, तो भाई ऐसा स्पेस दिखता है कुछ, बाइक का सामान रखना है कोई मैटर मत करना, यहाँ पर आपको टोइन मिलता है, आपको 5 फिल्टर है आफ्टर मार्केट का पार्ट है, भाई ने लगवाने रखी है, तो कर देते हैं बंद, वहाँ पर देखने को नहीं मिलता ना D4 देखने को मिलता, यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप मिलती है, और आपको ये वगैरह आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, काफ़ी गाड़ी के लुक को एनहांस करता है, देखो जैसे कि अलग ही लुक लगती है इसको लगाने के बाद, नीचे आपको दे रखा है जो कि फेक है, इससे गाड़ी के लुक काफ़ी एनहांस होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, भाई ने काफ़ी अच्छी मॉडिफाई कर रखी है। इसमें एंडिंग बताएंगे क्या खर्चा आया है पूरी गाड़ी में आपको, ये 65,000 के भाई ने अलॉय व्हील लगा रखे है, ये भी भाई ने मतलब 10-15,000 रुपये लगवा रखे है, तो ऐसे दिखते गाड़ी की लुक, गाड़ी लेनी तो इन भाई से बात करना, तो भाई कितने की पड़ेगी गाड़ी वाली, ये गाड़ी पड़ेगी भी आपको 7 लाख रुपए की, प्राइस नेगोशिएबल है, गाड़ी फुल इंश्योर्ड है, 0 डेप इंश्योरेंस है, और गाड़ी ZXI में ZXI प्लस में कन्वर्टेड है, VXI है। और गाड़ी अगर आना हो यहाँ पे कैसे आएंगे बंदे, आपको आना हो तो यहाँ नियर बाय है करकडूमा कोर्ट, करकडूमा की कोर्ट की रेड लाइट से सीधा आना है आपको, और राधा कृष्णा छोले भटूरे वाला है उससे 4 दुकान छोड़ के हमारा शोरूम है, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स की गाड़ियाँ हैं, मतलब कोई भी आपका बजट हो विल गिव यू अ गुड कार। बाकी भाई का शोरूम में ले जाके अंदर अब जा सकते, विजिट कर सकते हैं एक बार। वीडियो को ये पे करते हैं खत्म, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अलॉय व्हील कैसे लगे। कोई भी गाड़ी लेना चाहता है तो भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एयर बाइक का बोर्ड, और बाकी आप यहाँ पे आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ी है भाई के पास लग्जरी वगैरह, आप एक बार शोरूम पर विजिट करें, ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय।